हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने लाइसेंस का कुछ काम करवाने। मतलब मैं जब यहाँ पर आया था तो मेरा लाइसेंस गुम हो गया था, तो आज मैं जा रहा हूँ अपना यहाँ का जो है लाइसेंस वो बनवाने। अभी देखते हैं मतलब उसका प्रोसीजर क्या है, वो पता लगेगा वहाँ जाके क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो मैंने अपना जो लाइसेंस था वो डिजी लॉकर में डाउनलोड करवा लिया है, अब देखते हैं आगे का प्रोसेस। वहाँ जाके पता लगेगा कि वो एक्सेप्ट करते हैं उसे या नहीं करते हैं। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मुझे फुल लाइसेंस मिलेगा, और अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा पी से। तो देखते हैं, वहाँ जाके पता लगेगा। बाकी तो मिलते हैं आगे, और आज और भी चीज़ें करनी है काफ़ी, तो धीरे धीरे सारी चीज़ों को कवर करूँगा जो भी है। तो चलते हैं अभी। तो गाइस, ये है सर्विस न्यू साउथ वेल। तो ये है वो जगह जहाँ पे लाइसेंस वगैरह बनते हैं। अब मैं पहुँच गया हूँ, लाइन में लगता हूँ यार जाके, उसके बाद बताता हूँ क्या सीन हुआ अंदर क्या नहीं हुआ। आई विश के हो जाए यार, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत लंबा लटकना पड़ेगा। भाई इन्होंने मना कर दिया यार लाइसेंस के लिए, तो मतलब कि जो इंडियन लाइसेंस था वो तो मेरे को हो गया था, और डिजी लॉकर वाले को उन्होंने मना कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि जो मैंने पहले ड्राइविंग नॉलेज टेस्ट किया था वो तो मेरा क्लियर हो गया था, अब ये कह रहे हैं कि एक और वैसा ही टेस्ट है वो एक और देना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद मुझे एक ये देंगे पी जो मैं पास हो जाऊँगा। मतलब पी का मतलब है कि उस पर ना ज़्यादा उस पर मतलब कि रिस्ट्रिक्शन होती हैं काफ़ी, लाइक तुम जॉब भी नहीं कर सकते लाइसेंस पे, बहुत रिस्ट्रिक्शन होती हैं। मतलब सारा मूड ख़राब हो गया यार। चलो देखते हैं बाकी क्या बनता है, करना ही पड़ेगा। तो पहले गए थे हम लाइसेंस का पता करने, वो तो काम बना नहीं, फिर टाइम मैं चला गया गुरुद्वारे और मन की शांति, फिर लंगर लुंगर खाया, फिर घर पे आया और सो गया, क्योंकि रात को भी फिर शिफ्ट लगा के आए थे तो नींद आ रही थी। तो जो ये मेरे साथ चीज़ हो रही है ना भाई, तो इससे मुझे एक सीख मिली है बहुत तगड़ी, जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ कि भाई जब ऑस्ट्रेलिया में अगर आप आओगे, जब भी आप आओगे, अपने डॉक्यूमेंट्स भाई बहुत ध्यान से लेके आना, लाइसेंस वगैरह जो भी है। मतलब कि लाइसेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरा गुम हो गया था। मतलब मैंने पूरे एफर्ट किए थे जब मैं इंडिया में था, तभी मैंने पूरे एफर्ट किए थे कि जल्दी फटाफट मेरा बन जाए फटाफट किसी भी तरह करके, पर जो मेरा एजेंट थी वैसे वो बस उसने बहुत मतलब गलत चीज़ करी। उसने पहले बोल दिया कि मैं बना दूंगी, और देन उसने उसके बाद जब मैं यहाँ पर जब जिस दिन मेरी फ्लाइट थी उस दिन वो उसने मुझे एक चीज़ के लिए बोला कि मेरी लाइव फ़ोटो लगेगी, एंड देन अब लाइव फ़ोटो तो मैं ले नहीं सकता है ना, अब मैं यहाँ पर एयरपोर्ट पे हूँ। तो मेरे साथ मतलब कि बड़ा गलत हुआ, मैंने ट्राई पूरा किया था पर गलत हुआ। तो उसने मतलब मेरे पैसे वगैरह भी उसको पे कर दिए थे, एंड उसने मुझे कमिट किया था कि मैं तेरे को बना के दे दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे को सेंड कर दूँगी ऑस्ट्रेलिया में, कोई तू जा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और एंड लास्ट पॉइंट पे उसने मुझे बोला कि मुझे तेरी फ़ोटो चाहिए लाइव, तो नहीं आ पाया। एंड देन जब मैं यहाँ पर आया तो फिर अब तुमको पता ही है कि यहाँ पे जॉब्स वगैरह का एकदम से मतलब जॉब्स वगैरह हैं बहुत हैं, पर ये नहीं है कि तुम्हारे लिए पड़ी है कि तुम आओगे और भाई तुम्हारे लिए जॉब पड़ी है, भाई लोगो चलो, ऐसा नहीं हुई कभी। तो लाइसेंस जरूरी है, क्योंकि लाइसेंस के बिहाव पर तुम क्या कर सकते हो, बहुत चीज़ें हैं लाइक जैसे कि ना ऊबर वगैरह, लाइक बहुत सारी जॉब्स हैं, और आगे भी जब जॉब्स के ऑप्शन मिलते हैं तो और भी बहुत सारी जॉब्स हैं मतलब जो ईजिली तुम कर सकते हो। तो मेरे साथ क्या सीन हुआ कि अब लाइसेंस नहीं है तो जॉब्स के ऑप्शन कम है, मतलब कि तो एक जो जॉब्स के ऑप्शन थे ड्राइविंग वाले वो तो है ही नहीं। तो उसके बाद चलो वो भी एक चीज़ है, उसके बाद जब तुम यहाँ पर आके लाइसेंस अप्लाई करते हो, तुम्हारा लाइसेंस नहीं है तो तुमको स्टार्ट करना पड़ता है एल से। तो पहले तो मिलेगा लर्निंग, और लर्निंग में क्या सीन है कि तुम्हें एक बंदे के साथ बैठ के गाड़ी चलानी पड़ेगी जिसके पास फुल लाइसेंस है, और कुछ आवर्स हैं वो पूरे करने पड़ेंगे, एंड देन तुम्हें मिलेगा पी। और उस पी का मतलब क्या है, उसमें क्या है एक स्पीड की लिमिटेशन है कि उस स्पीड तक ही तुम चला सकते हो। सेकेंड, तुम अदर स्टेट्स ट्रैवल नहीं कर सकते जितना मुझे पता है, एंड उसके अंदर तुम जॉब नहीं कर सकते, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस है। एंड देन फिर तुम्हें मिलता है पी का सेकेंड पार्ट,
देन फिर तुम्हें मिलता है रेड पी, फिर चलता रहता है और ये काफ़ी लंबा चलता है, साल साल डेढ़ साल चल जाता है, दो साल चल जाता है, एंड देन तुम कहीं जाके एलिजिबल होते हो जॉब करने के लिए यहाँ के लाइसेंस पे। यार बहुत मतलब डिफिकल्ट है, मतलब मेरे साथ ही बहुत, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत गलत कर दिया कि उस पर मैंने ट्रस्ट किया एजेंट पे, मतलब अब फील हो रहा है। उस टाइम पर मुझे लगा कोई चक्कर नहीं, फिर क्या हुआ ये वो, मैंने मतलब पूरी यहाँ पर आके भी कोशिश करी कि मैंने लाइक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था जो नंबर था, मैंने उन्हें टेक्स्ट किया व्हाट्सएप पे, कहीं से मैंने नंबर निकाला वो पता करके कि वैसे भी कुछ होता है, तो मैंने टेक्स्ट किया उनको, फिर उनका रिप्लाई आया, फिर ओटीपी वगैरह मांगा, तो फिर मैंने डिजी लॉकर में डाउनलोड करवाया अपना लाइसेंस, क्योंकि लाइसेंस तो था ही है ना, फिर मैं उसको लेके गया, वो भी नहीं चला मेरा। तो फाइनली बस ये मेन चीज़ ये है कि भाई अब मुझे पीछे स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, फिर पता नहीं कब जाके मैंने, मतलब ये अब मेरे पास एक जो था मौका कि मैं कुछ ड्राइविंग में या जॉब्स वगैरह कर सकता था, वो चला गया है। तो मतलब मैं ये नहीं कहता कि तुम ड्राइविंग में जॉब करो, तुम जॉब जो मर्जी करो, पर एक बंदे के पास ऑप्शन होना चाहिए। तो गाइस डॉक्यूमेंट में एक तो लाइसेंस और हाँ एक पैन कार्ड, वो भी इम्पोर्टेंट है। पैन कार्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपको अकाउंट यहाँ पे अपना खुलवाना है तो ऑब्वियसली उसमें पैन कार्ड लगता है। तो मेरे पास पैन कार्ड भी नहीं था भाई, तो मैंने फटाफट अपने क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट गुम हुए थे जब मैं प्रेप कर रहा था इंडिया की, तो मेरा पूरा वॉलेट ही गिर गया था, तो आधार कार्ड पैन कार्ड सब चला गया था। आधार कार्ड मैंने किस तरह निकलवा लिया था क्योंकि वो फोटो कॉपी होती है ना फोन के अंदर, पर पैन कार्ड फिर मैंने जब यहाँ पर आया तो मैंने पैन कार्ड अपने बैंक वालों को फ़ोन किया, तो वो बड़े अच्छे थे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, उन्होंने मुझे नंबर बता दिया पैन कार्ड का। तो फिर मैंने नंबर बताया वहाँ पर जहाँ पे अकाउंट खुलवाते हैं, तो उन्होंने नंबर से ही चला लिया काम, मतलब पूरा फिजिकल एक वो नहीं मांगा पैन कार्ड, तो हो गया मेरा। तो पैन कार्ड आधार कार्ड और लाइसेंस, ये तीन चीज़ भाई ले आना याद से, मतलब इनको बस रख लो सामने के, तो भी नेक्स्ट बात करेंगे कि और क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है लाइक। तो अभी एक तो लाइसेंस हो गया तुम्हारा डॉक्यूमेंट, मतलब ये ना लाइसेंस हो गया, वो तुमको लेके आना है। सेकेंड चीज़ एक ब्लैक पैंट और एक ब्लैक शूज़, वो पक्का लेके आना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जॉब्स हैं वहाँ पर तुम्हें ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज़ चलते हैं, और शूज़ के अंदर ट्राई करना जितने भी शूज़ लेके आओगे ना भाई, वो वैसे लेके आना लाइक कि जो कंफर्टेबल ज़्यादा हो, दिखने में जैसे मर्जी हो। यहाँ पर भाई मैं कह रहा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रांड ब्रूंड सब मिट्टी है यहाँ पे तुमको कोई नहीं देख रहा। इंडिया में होता है ना कि भाई ब्रांड बार रखा है भाई हम बैठे हैं, मतलब यहाँ पर फर्क ही नहीं पड़ता भाई। तो यहाँ पर जितना हो सके वो सामान लेके आना वेयर करने के लिए जो कम्फर्टेबल हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ बहुत चलना पड़ेगा, बहुत खड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जॉब्स वैसी हैं, और चलना इसलिए पड़ेगा स्टार्टिंग में, ऑब्वियसली कार किसी के पास नहीं होती, मेरे पास तो अभी तक नहीं है, तो ये भी दिक्कत है। तो ये चीज़ पक्का मतलब ध्यान में रखें, जूते और कपड़े जो भी लेके आओगे कंफर्टेबल लेके आना, और हाँ एक ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज पक्का, क्योंकि बहुत ज़्यादातर जॉब पे चलते हैं। एंड जब भी आप यहाँ पर आओ तो अपने साथ एक नॉन स्टिकी पैन कैरी करना, सिर्फ एक नॉन स्टिकी पैन कैरी कर लेना फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर आप कहीं भी रहते हो या सेपरेट रहते हो, तो अगर आप यहाँ पे खरीदते हो बर्तन जाके, तो यार बहुत एक्सपेंसिव नॉन स्टिकी पैन बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, मतलब इंडिया में तो बहुत आराम से चीप रेट मिल जाता है, यहाँ बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो उसका क्या फ़ायदा होगा, अगर आप कहीं जैसे कि रह रहे हो जाके है ना, अगर आप वेजिटेरियन हो तो जहाँ पे रह रहे हो उनका वो अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, अपने पैन में राइस सब्जी वगैरह जो मर्जी बना लो, रोटी बना लो, सब कुछ आप एक पैन में कर सकते हो, तो आपके यहाँ एक सेपरेट पैन होगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, वो बंदे वेजिटेरियन है, तो भी दिक्कत नहीं आएगी उनको, और आपको दिक्कत आएगी है ना, तो ये चीज़ सही रहेगी। तो एक नॉन स्टिकी पैन पक्का लेके आना, और हाँ बेड के लिए एक डबल बेड वाली चद्दर, सिंगल बेड की मत लेके आना भाई, यहाँ के बेड थोड़े से अटपटे हैं। तो ये सारा कुछ था, बाकी अपने लिए कपड़े थोड़े मोटे, क्योंकि यहाँ पे ठंड शाम को कभी भी हो जाती है, यहाँ पे गर्मियों में भी ठंड पड़ सकती है रात को और शाम को, तो कंबल वगैरह अपना मोटा एक और थोड़े गर्म कपड़े वो जरूर लेके आना। चीज़ें जैसे कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो रेनकोट, पैन मैंने तुम्हें बता दिया कि पैन लेके आना, एक नॉन स्टिकी पैन है ना खाना बनाने के लिए, रेनकोट हो गया, छाता हो गया, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ पे यूज़ होती है वो ले आना, क्योंकि पता क्या होता है ये नहीं है कि यहाँ मिलती नहीं है, यहाँ मिलता सब कुछ है भाई, बस हाँ ये एक्सपेंसिव मिलता है, इंडिया से बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, डबल ट्रिपल रेट मिलेगा तुम्हें, पर मेरा तुम्हें बताने का मकसद ये है कि अगर तुम वो सारा कुछ लेके आओगे यहाँ पर तो तुम्हें बहुत कंफर्टेबल रहेगा, बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि अब तुम इतना पैसा लगा के वहाँ से आते हो, जैसे कि मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं इतना पैसा लगा के बंदा यहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ पर आते ही उसके एक्सपेंस पहले ही होते हैं, क्योंकि रेंट, क्योंकि यहाँ पर रेंट भी ज़्यादा है ना, तो रेंट भी है, फिर आने जाने का और ट्रांसपोर्ट का भी है, फिर तुम यार ये वाले खर्चे भी यहाँ पर आके करोगे समझ रहे हो, तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा।
तो इसलिए मैं मतलब कि मेरा कहना मतलब यही है कि भाई अपना वहाँ से लेके आओगे तो यहाँ पर ज़्यादा तुम्हें एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा, तुम ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, तुम अपना एक जो अमाउंट है सेव कर सकते हो ये वाला, और फिर इसे कहीं और आप यूटिलाइज कर सकते हो। एंड गाइस जो यहाँ पर आके तुम्हें चीज़ें जरूरत पड़ेंगी वो बस यही थी कि अपना डॉक्यूमेंट्स तो तुम्हारे थे ही, उसके साथ तुम्हारे बर्तन में अपना नॉनस्टिक की पैन या फिर एक दो बर्तन अगर तुम और कैरी कर सकते हो, टिफिन बॉक्स वगैरह जैसे कि, क्योंकि लंच भी लेके जाना भी पड़ता है मतलब अगर जॉब पे जाओगे कहीं पर भी। एंड सेकंड रेनकोट और अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ पे बारिश कभी भी पड़ जाती है। एक मोटा कंबल, क्योंकि यहाँ पे बहुत पतले पतले कंबल मिलते हैं, तो और ठंड यहाँ पे रात को होती है, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो जैसा मर्जी वेदर हो, रात को यहाँ पे ठंड हो जानी है। तो और गर्म कपड़े, और जैसा कि मैंने बोला था ब्लैक शूज़ और पैंट, ब्लैक पैंट क्योंकि वो चाहिए होती है यहाँ पे जॉब्स की लिए रिक्वायरमेंट है उनकी, और कंफर्टेबल हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं तो ये लेके आना, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर तुम्हारी जॉब नहीं भी लगती है तो तुम्हें पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे बेफालतू में इन चीज़ों के लिए, ये तुम्हारे पास होएंगी, तो बस वही चीज़ है। एंड गाइस अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट मस्ट है, इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए ना, कोई भी अगर तुम्हारा डॉक्यूमेंट अगर वहाँ पे गुम हो जाता है तो उसे उसी टाइम उस पे काम करो, उसे निकलवाओ जैसे मर्जी करके। अगर आपको लग रहा है आपकी फ़्लाइट मतलब आपने बुक करानी है तो 2 दिन लेट करा दो, 3 दिन लेट करा दो, हफ्ता लेट करा दो, पर उसको मतलब बिना लिए मत आना। एंड अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं तो उन्हें पहले ही मतलब डिजी लॉकर में डाउनलोड कर लो या स्कैन कर लो, जैसे भी आपने करना वैसे कर लो, क्योंकि समटाइम यहाँ पर वो स्कैन वाले भी जल जाते हैं। पर लाइसेंस नहीं चलेगा भाई, लाइसेंस फिजिकल चाहिए, लाइसेंस का है ही नहीं कुछ और रीज़न, मतलब मैंने सारा कुछ करके देख लिया नहीं हो पा रहा तो मेरी फीलिंग समझो। और इस फीलिंग के माध्यम से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि भाई लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइसेंस पक्का लेके आना भाई। तो गाइस एक चीज़ और, जब आप यहाँ पर आने लगोगे तो अपना रिज्यूम बना के प्रिंट आउट निकलवा के लेके आना, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं पता लगती कहाँ से प्रिंट आउट होगा, मतलब कि समझ रहे हो, तो ये चीज़ है। और उस पर अगर आपको पता है यहाँ पर कि आप यहाँ पर आके कहाँ रहने वाले हो तो उसको उस पर एड्रेस को भी मैंशन कर देना अच्छी तरह, तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब आप यहाँ पर आओगे तो इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप चीज़ों को ढूंढो, तो आपके पास अगर चीज़ें पहले से ही अवेलेबल होंगी तो आप जाकर सीधा रिज्यूम को अपने डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये भी कर लेना। मतलब सारा कुछ जितना हो सके उतना इंडिया से चीज़ें करके लेके आना, ताकि यहाँ पर आके मेरी तरह खज्जल ना होना पड़े, मतलब चूँकि मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं इसलिए एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। किसी किसी का शायद ना भी होता हो, ऐसे सबको ईजीली सब कुछ मिल जाता हो, पर सबको नहीं मिलता, तो वही है कि 80-20 प्रिंसिपल है कि 80 बंदों को नहीं मिलता और 20% बंदों को मिल जाता है। पर मैं यही बोलूँगा कि अपना जितना हो सके प्री प्लानिंग करके आना सारी चीज़ों की। तो गाइस ये था ज्ञान ऑफ द डे, वैसे ज्ञान में था ये मेरा एक्सपीरियंस था खुद का जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। बस आप इसकी हेल्प से चीज़ों को पहले प्री प्लान कर सकते हो और यहाँ पर आके आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस ये है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर पहले तो दबा देना भाई, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी अगली वीडियो की। और गाइज कमेंट कर दिया करो फॉर मोटिवेशन पर्पस, और कमेंट कर दिया करो कि यार तुमको आगे किस चीज़ की वीडियो चाहिए या फिर कुछ भी मैं यहाँ से अगर तुम्हें कुछ दे पाऊँ, क्योंकि मेरा जो चल रहा है ना यहाँ पे इस टाइम पे मेरा पूरा वो वाला एक्सपीरियंस चल रहा है, जीरो से लेके जीरो वाला, मतलब जीरो से स्टार्ट किया हुआ मैंने, तो मुझे चीज़ों का पता लग रहा है यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में अगर कोई डाउट है, कुछ भी अगर तुम्हें जानना है पता करना है तो कमेंट कर दिया करो, मैं बना दूंगा वीडियो भाई तुम्हारे लिए कुछ भी। सो थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी एंड लव यू सो मच।